वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सुल्तानपुर लोधी पहुंची। इस मौके पर उन्होंने सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण और अकाल तख्त का फैसले और साथ ही पाक की पासपोर्ट की शर्त को लेकर क्या कहा, सुनिए। 22 करोड़ तो वध लागत लगी है, जिदे नाल पूरा इनू अपग्रेड करके एदे प्लेटफॉर्म रेज किए गए ने, दो अंडर ब्रिजेस बनाए गए ने, दो फुट ओवर ब्रिजेस भी बनाए गए ने। इत्थे मल्टीमीडिया सेंटर जिवें तुसीं देख रहे हो, लाइट एंड साउंड शो भी क्यूरेट किया गया हैगा, टॉयलेट्स का इंतजाम, इत्थे 10 तो 14 नवी ट्रेन, एक नवी ट्रेन सरबत दा भला नाम की एक नवी ट्रेन खास दिल्ली नूं सुल्तानपुर लोधी नाल जोड़न वास्ते जिहड़ी ट्रेन भी शुरू कर गई है, और रेगुलर हफ्ते से 5 बारी चलती हैगी। सनराइज तो सनसैट तक हैगा जी, ये पाकिस्तान की सरकार फैसला करती है, लेकिन गुरु नानक साहब की कृपा है। हुण तां आने वाले समय से जिन्हें 72 साल नहीं होए, हुण सैकड़ों साल दर्शन होंगे, 5,000 श्रद्धालु रोज़ जाएंगे, सवेरे जाके शाम को मुड़ के आएंगे। सो हौली हौली की पता गुरु नानक साहब जब कृपा करते हैं, फिर कृपा की उन्होंने कोई कृपा का अंत तो नहीं होंगे। अजय देखो होर कि कृपा होर मालिक ने करनी है। देखो पाकिस्तान की फैसले करती है कि नहीं करती है, मैनू कहना बड़ा मुश्किल हैगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हाँ कि पासपोर्ट वाला भी गल तो $20 वाली है, दोनों चीज़ों पाकिस्तान की सरकार गुरु साहब इन्हों समत बख्शन, तो ये दोनों चीज़ों क्योंकि जिते किसी भी धार्मिक स्थान से जाने वास्ते पासपोर्ट कितने भी मंग नहीं की जाती है, ना ही कोई फी लगाई जाती है, तो जेडे इतने पावन स्थान पर जिस पावन स्थान करके किन्ने हज़ारा करोड़ों की बरकत होनिया ने, उस मुल्क दे भी होनी है, तो जेडे उत्थे श्रद्धालु जाते उन्होंने भी बरकत का मीह गुरु साहब ने बरसाना है।